केंद्र सरकार को वह भी नहीं किया। हर चीज के लिए उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को आगे रखा और जो जनता है उसको पीछे रखा। आज यह स्थिति है कि 45 सालों में सबसे अधिकतम बेरोजगारी आज है हमारे देश में। जब आपके सामने चुनाव के लिए वोट मांगने आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अक्सर बीच में धर्म को ले आते हैं, जाति को ले आते हैं, अलग अलग बातों को ले आते हैं जिससे आपके जज्बात जुड़े हुए हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एक बात को पूरी तरह से आप समझ लीजिए, ये चुनाव किसी दो राजनीतिक पार्टियों के दौड़ में कौन प्रथम आएगा उसका चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको आपका हक आपको कौन देने के लिए तैयार है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भाजपा ने 8 सालों में जो सरकार चलाई है इस देश में, उसने आपके हक को बार 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 खत्म किया है। जिन बड़े बड़े उद्योगों से आपको रोजगार मिलता था, उन्हें चुपचाप से एक के बाद एक अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिया, आपके पेंशन कटवा दिए, आपकी सेना में भर्ती होने के चांस खत्म कर दिए, अग्निवीर ले आए, महंगाई बढ़ा दी और खुद इतने बड़े काफिलों में चल रहे हैं। रोज रोज आप टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है रोज रोज, खास तौर से आजकल। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहां पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। जब ये अपने धनवान मित्रों को सरकार की सारी कंपनियां सौंप देते हैं तो नुकसान कौन उठाता है? जब ये बड़े बड़े खर्चे करते हैं तो नुकसान कौन उठाता है? सबसे ज्यादा नुकसान मेरी बहनें उठाती हैं, क्योंकि जो पैसे आपकी भलाई के लिए आपके पास आने चाहिए वो नहीं आते। आपने देखा होगा कि राजस्थान की सरकार ने आपके लिए कितनी स्कीम निकाली है। पुराना पेंशन आज आपको राजस्थान में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मुमकिन है ना, ये मुमकिन है, इसलिए हो रहा है। आज जितनी भी स्कीमें हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया, जिनके बारे में यहाँ पे सारे बोर्ड लगे हुए हैं, कि चाहे वो इंदिरा रसोई हो जिसमें आपको 8 रुपए में पूरी थाली मिल रही है खाने की, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो जिससे आपका इलाज मुफ्त में हो रहा है, चाहे महिलाओं के लिए मोबाइल का स्कीम हो जिससे नौजवान महिलाओं के लिए खास तौर से अच्छा है क्योंकि आप इस पर पढ़ाई कर सकते हैं, सब जानकारियां आपको इस पर मिल सकती हैं, और आपकी सुरक्षा के लिए भी अच्छा है कि कभी आप ऐसी स्थिति में हो तो आप घर फोन कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं। तो ये सब स्कीमें कैसे हो रही हैं राजस्थान सरकार द्वारा? ये तभी हो रही हैं क्योंकि ये जो पैसे हैं सरकार के पास जो होते हैं ये आपके लिए होते हैं। जिस सरकार की नीयत सही होती है वो इस संपत्ति को आपकी भलाई के लिए खर्चती है, और एक ऐसी ही सरकार आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार है।